महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिले में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में एक इंजीनियर आवास योजना के लाभार्थियों से रिश्वत मांगते हुए साफ सुनाई दे रहा है। मामला सामने आने के बाद इंजीनियर स्वप्निल निमगड़े के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। चंद्रपुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली जुनूना ग्राम पंचायत में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत आवास योजना के लोगों के लिए घर बनाने का काम कर रही है। यशवंत चौहान मुक्त वसाहत घरकुल योजना विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आवास योजना है। इस योजना के तहत में गांव के 6 नागरिकों को लाभार्थी चुना गया। इसकी जानकारी इंजीनियर स्वप्निल निमगड़े ने गांव के एक व्यक्ति को फोन पर दी। फोन पर इंजीनियर ने कहा कि मैं कल गांव आ रहा हूं, आरती की थाली लेकर खड़े रहना, और साथ ही 1,000 रुपए प्रति लाभार्थी रिश्वत की मांग कर डाली। ये पूरी बातचीत की ऑडियो वायरल हो गई। ये ऑडियो क्लिप मराठी भाषा में है। गांव के एक व्यक्ति और इंजीनियर के बीच ये बातचीत हुई। इंजीनियर ने कहा कि मैं कल आ रहा हूँ, सबको बता देना, मांडरे शिंदे को बता के रखो, 5 या 6 लोग है ना, मैं सबका ऑनलाइन काम कर दूंगा, सबसे मुलाकात भी होगी, मैं कल 8 या 9 बजे तक आता हूँ। एंटी के लाभार्थियों को बताओ आरती की थाली लेकर तैयार रहो। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर से पूछा कि अपनी अपेक्षा क्या है। इस पर इंजीनियर ने कहा कि फिलहाल एक एक बता दो, बाकी का बाद में देखेंगे, जब घर की नींव पूरी हो जाएगी। इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसके बाद आवास योजना के गरीब लाभार्थियों के साथ इस इंजीनियर की भ्रष्टाचारी की पोल खुल गई। मानधारे का नाम होता ना, मांडरे 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 शिंदे आहे ना, ते 4-5 जण, त्यांना सगळ्यांना सांगून ठेवा। ठीक आहे ठीक आहे, सर्वांचं ऑनलाईन करून घेतो ते, तर उद्या भेट होऊन जाते। आहे ना तुम्ही फ्री उद्या? हो उद्या फ्री म्हणजे आता किती वाजता लवकर येतात तुम्ही? 8-9 वाजता येतो। ठीक आहे ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही जास्त वेळ तर घेणार नाही? नाही नाही, तुमचे एनटीचे घर तुम्ही मला भेट करून द्या, सर्वांनी सांगून ठेवा पण आजच। हो सांगतो सांगतो, तयारीत राहा म्हणा, आरती घेऊन राहा म्हणा। अपेक्षा अपेक्षा सांगून द्या ना, आता माहितच आहे तुम्हाला। नाही पण सांगा ना, सांगतो मग। सध्या सांगून द्या थोडं, सध्या एक एक सांगून द्या, मग चालू झाल्यानंतर पाहू ज्योता गीता झाल्यावर। ठीक आहे बर, हो हो, तर उद्याला येतो, तुम्ही एनटीचे फक्त दाखवा, मग 5-6 घर दाखवतले तुमचा वेळ घेतो, मग बाकीचे घर मी स्वतः पाहून घेईल किंवा मग काही असले पकडील, तुम्हाला वेळ नसेल तर। ठीक आहे ठीक, हो येतो पा मग। ठीक, मी या जुनूनाचा रहिवासी, कमीत कमी जन्मापासूनचा रहिवासी असून मी कमीत कमी या योजनेअंतर्गत, यशवंतराव चव्हाण योजनेअंतर्गत 6 महिन्यापासून अर्ज सादर केलेला होता, तरी पण मला अद्यापर्यंत ग्रामपंचायतनं पंचायत समितीनं कोणीच म्हणजे घरकुल काही दिलेलं नाही। करिता मी ह्यानं सुधीर भाऊच्या ऑफिसमध्ये 4-5 वेळा जाऊन सणारी सुधीर भाऊला पण सुद्धा बोलणं केलं, तर सुधीर भाऊ आम्हाला एवढं सांगितलं का तुम्हाला घरकुल येऊन जाईल। त्यांनी सुद्धा ह्यानं आम्हाला घरकुलची लिस्ट दिली होती, पण ह्यानं माहीत आहे का पंचायत समितीमध्ये ते लिस्ट गेली असता त्यानं घर त्या लिस्टचा फेरबदल करून काही लोकांचेच घरं पाठवले ना। आमचे जेव्हा पहिलेचे नाव होते ते मागं टाकले आणि मागचे नाव पहिलेचे आता 6 घरकुलमध्ये पाठवून सणारी त्याचे घरकुलचे कामं चालू आहे। करिता हा ग्रामपंचायतचा आणि पंचायत समितीचा का फेरबदल आहे हे एवढं आम्हाला माहीत नाही, पण आमचे घरकुल लवकरात लवकर पाठवण्यात यावं बा। मी विलास रामाजी शिंदे राहणार जुनोना, आणि 10-20 वर्ष म्हणजे 15-20 वर्षापासून या इथं येऊन मी किरायानं राहत आहो। तरी मला ग्रामपंचायत घरकुलचे अर्ज करून सुद्धा मला अजूनपर्यंत घरकुल मिळालेलं नाही, तर हे पंतप्रधान योजनेची योजना आहे, म्हणजे जी योजना आहे ती योजना आपल्यासाठी नाही तर कुणासाठी आहे? गांव के लोगों ने बताया कि हमने कई बार आवास योजना के लिए आवेदन भरा था, विधायक के पास भी चक्कर लगाए थे, लेकिन हमें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, और जो लोग अधिकारियों की जेब गर्म करते हैं उन्हें तुरंत आवास योजना का लाभ मिल जाता है।
गांव वाले भी इस पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आवास योजना के तहत हर लाभार्थी को 1,30,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें पहली किश्त 20,000 रुपए की मिलती है। इसमें इंजीनियर को 1,000 देने पड़ते हैं और बाकी की किश्त जैसे जैसे घर का काम पूरा होता है वैसे वैसे मिलती है, लेकिन इंजीनियर को उसका हिस्सा दिए बगैर अगली किश्त नहीं मिलती, इसलिए ग्रामीणों को मजबूरन इंजीनियर को घूस दे देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि साल 2024 तक देश के हर नागरिक को अपना घर मिल जाए, लेकिन आवास योजना के तहत इस प्रकार भ्रष्टाचार होता रहा तो प्रधानमंत्री का ये सपना कैसे पूरा होगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल हमने प्राइमरी स्टेट पर उनको शो कॉल इशू किया है, उनका जो भी बयान आएगा वो बयान और वहाँ पे जो जो लोगों ने रिकॉर्डिंग की है उनका बयान, सबका बयान लेके फिर एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचेंगे। सर्वप्रथम ही सर्व नागरिकों ने सामने इच्छित हो कि घरकुल योजना संदर्भात किंवा कुठल्याही योजने संदर्भात आपल्याकडे कोणीही पैशांची मागणी करत असेल तर तुम्ही माझ्या नंबरवर मला संपर्क करू शकता आणि कोणीही कुठल्याही प्रकारचे पैसे कोणाला देऊ नयेत। त्यानंतर हे जे आपल्याकडे ऑडिओ क्लिप आलेली आहे त्याचा आम्ही चौकशी करत आहोत, प्रायमरी स्टेजवर आम्ही त्यांना शो कॉल इश्यू केलेला आहे, त्यांचं बयान आपण घेऊया। त्यानंतर ज्या नागरिकांकडून पैसे मागण्याचं असं म्हटलं जात आहे त्या नागरिकांचं सुद्धा आपण बयान घेऊया आणि असं काही प्रकार घडलं आहे त्याची आपण चौकशी करू आणि चौकशी फायनल निर्णय घेऊ। डीआरटीला त्यांचे प्रस्ताव सादर करू। NBC न्यूज के लिए चंद्रपूर से सुनील ताडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।